please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. नमस्कार, सत श्री अकाल और सलाम वालेकुम। आजी वलसाड पहुंच गए हैं, वलसाड। आजी बातचीत करेंगे, आज वलसाड से भी, वापी से भी बात होगी और बात होगी धर्मपुर से भी। आजी एक एक करके शहर गिनते जा रहे हो। आजी आज जनता होगी, चाय की दुकान होगी और ना जाने क्या क्या मेला होगा। क्या बात है, वापी और वलसाड में। चुनाव में ऐसा ही होता है, सिर्फ शादी और बारात में थोड़ी ना, चुनाव में ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। आतिशबाजी चलती है सड़क पे, डांस करते हुए आवाज कर दो। हाजी दूल्हा कहाँ है, दूल्हा ढूंढो ढूंढो लो। हाँ पाजी ढूंढ लोगे, तुम ढूंढ लोगे। हाँ हाँ ढूंढ लिया जी। जी बहुत बहुत शुभकामनाएं। नॉमिनेशन फाइल करने जा रहे हैं, अभी पर्चा भरने जा रहे हैं, पर्चा भरने जा रहे हैं। क्या लगता है इस बार? अभी क्या है, गुजरात में नवसर्जन हो रहा है और कांग्रेस आवे छे। कांग्रेस आवे तो नाते धर्मपुर 178 विधानसभा पर जंगी बहुमत चुटाए बीजेपी सरकार बना। बीजेपी तो कह रही हूँ छो विकास, विकास गांडो थयो छे, विकास पागल थयो छे, विकास गांडो थयो छे, विकास गुजरात में। हवे हवे जे रीते भाजप सरकारे काम कर्यु छे। अच्छा ईश्वर जी, आप अगर चुनाव यहाँ जीते तो क्या करेंगे? यहाँ की जनता की सेवा करूंगा। वो तो कहते हैं हमने सब कुछ कर दिया 22 साल में। अरे कुछ नहीं किया है, अरे रोजगारी नहीं है, पानी नहीं है, किसानों को बहुत मुश्किली है और जो पढ़ाई करना चाहते हैं लोग, यहाँ पढ़ाई नहीं हो रही है। ये सब हमारी गुजरात की सरकार कांग्रेस की आएगी तब यहाँ। और ये सब आप काम कर देंगे, ये माला सूखे उससे पहले ही कर देंगे ना सारा काम? अरे गुजरात की सरकार आएगी तो कर देंगे, कर देंगे। झूठ नहीं बोलेंगे। अरे झूठ नहीं बोलेंगे। जुलूस पहुंच चुका है, दूसरे का जुलूस आ रहा है, उनका भी जुलूस आ गया, कांग्रेस वाले का भी जुलूस आ गया है। ज्यादा है या कम है? हमारे भारतीय जनता पार्टी से कम है, कम है, कम है। खाली जुलूस है। बीजेपी जीतेगी, 150 प्लस आएगी। उनका भारत माता की जय, उनका जुलूस बड़ा है क्या? वो हारेंगे, पक्का हारेंगे। उनका जुलूस तो बड़ा है, जुलूस बड़ा हुआ तो क्या हुआ? मोदी जी के साथ है, जीतेगा विकास, जीतेगा गुजरात। अच्छा एक बात बताइए, हूँ छू गुजरात, हूँ छू विकास, जरा बड़ी बात नहीं हो गई थोड़ी? नहीं क्यों बड़ी बात, विकास है, है विकास।
का है। हम आज मुंबई से प्रचार करने के लिए आ रहे हैं। मुंबई से हम लोग मुंबई से प्रचार करने के लिए आ रहे हैं। मुंबई से आए। मुंबई से कांग्रेस वाले, कांग्रेस झंडा। बीजेपी ने बीजेपी जीता थे। कांग्रेस बीजेपी जीता। बीजेपी विकास के लोग थे। तुम्हारे ढोल में क्या हो गया? तुम्हारे ढोल में क्या हो गया? उसको बताना पड़ता है ना, निकल जाता है। निकल जाता है ना चपकान। अरे इलेक्शन टाइम है, निकले ना कुछ बजा। इस बार कांग्रेस ही गुजरात में आएगी और धर्मपुर में भी। धर्मपुरा में कांग्रेस ही आएगी। धर्मपुर में कांग्रेस ही आएगी। भाजपा आएगी धर्मपुर में। भाजपा आएगा। बहुमत से 22 साल का वनवास खत्म होगा इस बार। 22 साल का वनवास खत्म होगा। नहीं होगा। होएगा। कांग्रेस का गढ़ रहा है, कांग्रेस का ही रहेगा। कांग्रेस का गढ़ रहा है, कांग्रेस का रहेगा। 15 साल से कांग्रेस चला है, भाजपा ही रहेगा। भैया जी कहीं कांग्रेस है। क्या बात है, रोज देखते हैं। भैया जी कहीं कांग्रेस जीता। अगली बार 15,000 से लीड से जीता था, ये बार 25,000 पार कर जाएंगे। बाजी ये बात है, भैया जी कहीं हम रोज देखते हैं। तुम बाजी का अरे शक्ति मार रहा संसार, अब तू आने दे ललकार, तेरी तो बाहें पतवार, कदम है तेरे हाहाकार। अरे पाजी ले जाओ बराबर। बलसाड़ में राजू भाई की चाय बड़ी मशहूर है। बड़ी मशहूर है ये साहब, है ना अपना राजू भाई। वो भी बोलता है कि हम भी मोदी बनेगा। चाय और चाय वाला है ना, क्या बात है। सब चीटिंग वजह से ही चलता है यहाँ पे। आएगा क्या? आएगा अभी जो मोदी आएगा। मोदी ही आएगा। क्या लगता जी बाबू जी? मोदी आएगा। अच्छा कैसे? बस उसी की हवा चल रही है अभी तो। हवा चल रही है, उसी की हवा है। लोग कह रहे थे पाटीदार भी है पर उतनी हवा नहीं है। उतनी नहीं है फिर भी डैमेज नहीं कर पाएगा क्या? डैमेज होगा। कहाँ जा रहे इतनी जल्दी? उधर सेठ, उधर अब इंतजार करते होगे। सेठ क्या कर रहा है? हमारा राह दिख रहा है सेठ। अरे सेठ से बोलो वेट करेगा वेट। और क्या बताते जाओ, क्या हो रहा है? क्या बस ठीक ठाक है, आप ठीक ठाक है ना? अरे हमका तो क्या, एक शहर से दूसरा शहर भागता रहता है, बस इधर ही इधर रहता है। तुम्हारे से हाल चाल पूछने आ गए इतनी दूर से। बताओ बोलो जी, क्या लगता है इस बार? आप उनको है ना, हम लोग तो मेहनत मजूरी करके खाने वाला आदमी। कोई भी आएगा, हम लोग को तो ऐसा तो है। तस्वीर बदलेगा जब कोई आएगा कोई जाएगा तो तस्वीर बदलता है। भाजपा आएगा तो बहुत अच्छा है, क्यों बोलेगा? तो जैसे हम लोग पहले इतना बड़ा हुआ तो उसको मानते आ रहे ना, मानेगा उसी को मानेगा। क्या क्या नाम हो गया भाई? पारस भाई कहाँ के रहने वाले? यूपी बनारस। पान तो पाजी बस सिर्फ यूपी और वो भी बनारस। इधर चाय वाले हैं और इधर पान वाले हैं। कभी कभी बात कर लेते हो उधर? हाँ
होती रहती है ना बात उधर, दिन बात होती रहती है सारे दिन। तो यहाँ क्या चल रही है इस बार हवा बनारस की तरफ से बताइएगा। मोती का है? मोती मोदी। मेरी सामने वाली खिड़की में इधर से आगे देखो ये जाने मन। क्या नाम है इनका? जाने मन। जाने मन कौन है वो कहाँ के रहने वाले हैं? वो भी यूपी के हैं। यूपी के हैं? अरे हे, तब तो चलना पड़ेगा ना बाजी है? जाने मन क्या बात है। आजा भाई, तो तुम्हें ये सब लोग जाने मन क्यों कहते हैं? ये तो मजाक मस्ती में सर कहने लगे। जब आया था मैं बहुत छोटा था। जब मैं आया तब मैं बहुत छोटा था। आप क्या उम्र हो गई अभी इस समय? 41 चल रहा है। 41 साल? कितने साल बिता दिए वलसाड में? यहाँ करीब सर हो गए 8-9-10 वर्ष। 9-10 वर्ष तब छोटा था। कहाँ के रहने वाले हैं? यूपी। यूपी में कहाँ के? जिला फतेहपुर। फतेहपुर कानपुर के बगल में ही तो है फतेहपुर। हाँ जानते हैं ना फतेहपुर, जहाँ से चुनाव लड़ते थे राजा विश्वनाथ। हाँ जी। प्रताप सिंह वही ना। ओके सर। जब मैं बहुत छोटा था यानी अभी 41 साल के हैं, 10 साल पहले आए थे, तब लोग सब लोग जाने मन कहते थे। मजाक मस्ती में मतलब एक रिश्ते में बहनों ही लगता था। वो बड़ा था उसको कोई नहीं बोलता था और मुझे धीरे धीरे नाम प्रसिद्ध कर दिया। तो अब जाने मन हो गया तो? जाने मन ही कह दो। जाने मन हो गया। और चाचा क्या लगता है, क्या नाम जनाब, क्या लगता है इस बार? क्या बढ़िया, बहुत बढ़िया। होना क्या लग क्या रहा है वलसाड में? क्या गुजरात में? क्या गुजरात में बढ़िया सब? वलसाड में भी अच्छे है? नहीं नहीं वो तो सब अच्छे ही है, आप अच्छे तो दिख ही रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या होगा? क्या होगा? हाँ होगा, सही होगा जो होना वाला हो। इलेक्शन के बारे में पूछ रहे हैं? और काहे के बारे में पूछेंगे? और बाकी घर में तो आप देखने के लिए हैं। बीजेपी सब जोर से आ रही है, आने वाली है, टेंशन नहीं लो। नहीं नहीं ऐसा तो टेंशन ना लो बाजी, बस अब रुकना पड़ेगा यहीं पे, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि क्या मन में कुछ जबान पे कुछ कुछ नहीं। अरे मुझे ईमानदारी वाली बात बताइए, ईमानदारी वाली बात बताइए। क्या बताऊँ बोलो जनाब, क्या आप अपना परिचय दीजिए पहले। मेरा नाम गोविंद है, मैं बम्बई से आ रहा हूँ। गोविंद भाई बताइए क्या लगता है बम्बई में? तो आपने बता दिया, आप यहाँ बताइए क्या होगा? यहाँ लगता है यहाँ काम धंधे से आते हैं आप? काम धंधा है आपका यहाँ वलसाड में? आ जाते हैं। तो क्या लगता है यहाँ पे इस बार क्या लग रहा है, जो लोगों से बात करते हैं अपने? नहीं नहीं बीजेपी जोर से आएगी, टेंशन मत। नको 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 बोले। बताइए क्या नाम हो गया आपका? फिरोज। फिरोज भाई चाय पीने आए हैं? हाँ चाय पीने। फिरोज भाई चाय तो पियेंगे ही, राजू भाई की चाय है, फिरोज भाई पियेंगे। लेकिन ये चाय और चाय पीने के इस चुस्की में मैंने पिया फिरोज भाई, दो चाय पिया। क्या लगता है इस बार लोग क्या बात कर रहे हैं गुजरात में? आप तो क्या काम करते हैं? ऑटो चलाते हैं। हाँ तो सबसे अच्छा मैं समझ गया था आप ऑटो चलाते हैं, तो आप बता सकते हैं कि ऑटो में बैठी हुई सवारी क्या बात करती है? वो तो बहुत ज़्यादातर लोग, कोई बोलता है भाजपा आएगी, कोई बोलता है कांग्रेस आएगी। ज़्यादातर लोग कौन बोलता है, ज़्यादा क्या होता है? ज़्यादातर तो भाजपा के। कुछ नाराजगी भी है लोगों को बीजेपी से? हम लोगों को होती है। होती है लोगों को बहुत से, जैसा मंगवाड़ी के हिसाब से लोग। इधर ये ठंडी हो जाएगी, चाय ठंडी हो जाएगी, चलेगा। तो फिरोज भाई कुछ लोगों को नाराजगी भी दिखाई देती है? हम लोगों को होती है और हम लोगों को नहीं। जो वो सवारी बैठता है वो बताता है? हाँ वो अंदर ही अंदर बात करते रहते हैं कि नाराजगी भी है बीजेपी से। और बहुत से जन बोलते हैं कि बहुत अच्छा भी है, बहुत अच्छा भी है, काम भी करता है। बोलता है कि आएगा कौन? वो देखते हैं, वाणी के ऊपर है जो आएगा। साष्टांग दंडवत प्रणाम महाराज। साष्टांग दंडवत प्रणाम महाराज। कहाँ के उत्तर प्रदेश में रहने वाले हैं आप? मैं फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट का हूँ। फतेहपुर का, देखिए पाजी फतेहपुर का, वही कानपुर के आगे बगल में फतेहपुर इलाहाबाद से पहले। आपके दर्शन हो गए यही मेरे लिए बहुत। हाँ जी शुभ है, बहुत बढ़िया। कितने सालों से हैं आप यहाँ? मुझको 6वां साल है सर। एक्स मैन हूँ। हाँ एक्स सोल्डर हनुमान सिंह बाईकाश राजपूत हूँ। क्या लग रहा है यहाँ पे इस बार गुजरात में? उसे कुछ तो चेंजिंग आएगा ही, इसकी कांग्रेस की सीटें बढ़ेंगी लेकिन आएगी भाजपा। आएगी भाजपा, आएगी भाजपा बड़े स्पष्ट रूप से। स्पष्ट रूप से राजू भाई इजाजत देंगे आप हमें? आप हमें चलने दें? हैं चलने दें? राजू भाई कह रहे हैं पैसे की जरूरत नहीं है, पाजी कह रहे हैं कि नहीं नहीं देने की जरूरत है पाजी। तो आप प्रोग्राम तो देखते हैं? देखते हैं, रोज देखते हैं सर। क्या बात है, राजू भाई कहते हैं प्रोग्राम रोज देखते हैं। और कोई चल... हो तो बताइए। आप आया तो पहचान लिए मैं। तो राजू भाई बस हम लोग चाय की दुकान पे रुकते हैं, बस कोई बात नहीं, बस चलेंगे अब, इजाजत दीजिए। और बाकी आप 9 तारीख को मुझे बता दीजिएगा। अरे ना ना ऐसा ना करिए,
हाँ बोले प्रोग्राम सब देखते हैं। कौन जिला से? जिला कौन था? बात हो रही है कहाँ से? बात हो रही है गांधीधाम से हो रही है। गांधीधाम से बात हो रही है? बस पाजी वहीं का तो खेल है सारा। कह लोगो तुम लोग चार लोग चार लोग, एक दो तीन चार चार लोग, चार लोग हैं बाजी। पांचवे भैया जी। हंस क्यों रहे हो? चार ही लोग हैं तो क्या हुआ बाजी? चुनाव तो है, कैंडिडेट है, लड़ रहा है चुनाव, तुम्हें क्या मतलब बाजी? मैडम लोग नहीं दिखाई दे रहे, लोग कहाँ गए? लोगों को मना किया है ना, आचार संहिता है तो बोले के कम लोग लाना। कांग्रेस वाले बीजेपी वाले कितना हुजूम लेके चल रहे हैं। नहीं हमें लोगों को नहीं दिखाना, लोग हमें दिखाएंगे। एक नई शुरुआत जन विकल्प जी पाजी, नए तरह के नेता बिल्कुल। थैया, 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 थैया।